In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Welcome to Father Qadar Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. Ayat Ibn Uman, number Allah <laughs> Umar Kadhuka, Farman Mubarak. अहल इलम का इस परिज्मा पर जमा है कि रसूल अक्रम साल वसम पर दुरुद पाक पढ़ना सब आमाल से अफजल है हमारे किताब अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज़्यादा दुरुज पढ़ने की तोफ़ीक़त फरमाए आमी Father Khan Islamic Institute YouTube channel, Gmail address, Facebook page, and WhatsApp number. Subscribe to our YouTube channel, Father Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course, page 1. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टें नाम से ही जाहिर है कि फ्यूचर मुस्तबिल में जो काम मुकम्मल हो कुछ हिस्सा और कुछ जारी हो वो काम जो मुस्कबिल में जारी हो कुछ हिस्सा मुकम्मल हो कुछ जारी हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इम्पोर्टेंट चीज इसमें हमने ये पढ़ी और पढ़ रहे हैं कि रही नीचे जो हमारे पास ये दो ग्रुप हैं तो सब्जेक्ट के एबार से तमाम जो चार किस्में हैं फ्यूचर की एन डिफिनेट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूज चारों अगजाम में दो ग्रुप हैं ठीक है सब्जेक्ट के एतबार से दो ग्रुप है काम करने वाले इसमें कितने हैं दो ग्रुप है एक ग्रुप वन एक ग्रुप टू ग्रुप वन में कौन है आई है यानी यानी में वाहित. और वी हम जमा तो आई और वी के साथ शल और बाकी के साथ विल चारों में इस्तेमाल होता है चारों अकसाम में फिर किस्म के एतबार से अब जो इस तरह आज हम परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो शल के साथ शल Have been है बीन और विल हैव बीन है बाकी के साथ तो यहां से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू होता है फॉर्मूला इसका सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस हैव हैव बीन बीन विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या पीरियड तो सिंस और फॉर सिंस स्पेसिफिक टाइम जो मालूम वक्त हो जुमले में उसके लिए सिंस आएगा और ना मालूम वक्त हो टाइम हो पीरियड हो उसके लिए फॉर आएगा और आई वी के साथ शलहे बीन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वे लैविन आएगा इनके जुमों में ये आता है मतलब वक्त के साथ रहा होगा और वक्त होगा जुमले में और उसके साथ रहा होगा रहा होगा वक्त के साथ रही होगी वक्त के साथ रहे होंगे वगैरह मसलन हम दो हफ्तों से ग्रामर सीख रहे होंगे ठीक है आइंदा ज़माने में हम दो हफ्तों से ग्रामर सीख रहे होंगे तो जब हम दो हफ्तों से ग्रामर सीख रहे होंगे तो दो हफ्तों में कुछ हमने सीखा होगा कुछ हम सीख रहे होंगे तो कुछ हिस्सा हमने सीखा होगा वो परफेक्ट होगा मुकम्मल होगा कुछ हम सीख रहे होंगे वो जारी होगा मसलन वो पी के दिन से सेब खा रहा होगा वो दो दिन से सेब खा रहा होगा तो एक ही किस्म का जुमला है सिर्फ इसमें पीर का जो लफ्स है दिन से तो ये अब मालूम वक्त है और दो दिन नामालूम वक्त है पता नहीं जुमा हफ्ता है पीर मंगल है बुध जुमरात कौन से दो दिन हैं ठीक है पता नहीं दोनों तो, तो नामालूम वक्त है ठीक है अनस्पेसिफ़िक टाइम है तो जो नामालूम वक्त हो मखसूस ना हो ठीक है उसके लिए फार लगेगा और ये पीर के दिन तो पीर के दिन तो एक ही दफा आता है मालूम बाकी तो जो मालूम हो उसके लिए फिर सिंस का इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही ही के साथ क्या लगेगा ठीक है शल लगेगा या विल लगेगा तो आई वी के साथ शल बाकी के साथ विल तो ये बाकी के ग्रुप का है तो विल है लगेगा ठीक है तो सब्जेक्ट है हमारे पास ही के बाद विल है एप्पल उसके बाद एक लगाएंगे तो पीर के दिन मालूम वक्त है तो सिंस लगाएंगे और मंडल इसी तरीके से दूसरा जुमला भी है उसमें सिर्फ सिंस की जगह फौर है क्योंकि वक्त मालूम नहीं है तो अब कुछ मिसालें देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कि ग्रुप वन है आई और वी का ग्रुप है शल है बीन का इस्तेमाल है एफरमेटिव जुमले मुस्बत नेगेटिव जुमले और इंट्रोगेटिव जुमले तो जो एफर्मेटिव जुमले है आई हैव बीन मैं दो दिन से सेब खा रहा हूँ मैं दो दिन से सेब नहीं खा रहा हूँ क्या मैं दो दिन से सेब खा रहा हूँ तो एफर्मेटिव जुमल आई शल है बीन ईटिंग एप्पल फॉर टू डेज आई शल नॉट हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर टू डेज शल आई हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर टू डेज तो जो एफर्मेटिव जुमला है पॉजिटिव है मुस्बत जो जुमला है सिंपल सादा, वो आई शल के साथ ठीक है शुरू होता है आई शल हैव बीन तो नेगेटिव भी आई शल से आई शल नॉट हो जाएगा शल के बाद इसी तरह शल नॉट हो जाएगा बाकी डेज उसी तरह बाकी जुमला उतारेंगे नीचे और जो इंट्रोगेटिव हैं तो शल जुमले के बाहर आई जुमले के अंदर बाकी यही जुमला नीचे उतरेगा तो शल आई तो शल जब बाहर होगा तो यह एक्स यहाँ स्मॉल है और तो यहाँ कैपिटल होगा और आई हमेशा के लिए कैपिटल ही रहता है तो शल आई से क्या हो जाएगा आई शल से आई शल से शल आई हो जाएगा शल आई हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर टू डेज इसी तरह फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्रुप टू के जुमले हैं जिसमें ही शी वाले तमाम सब्जेक्ट हैं और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम विल बीन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो पॉजिटिव या एफर्मेटिव जुमले हैं मिसबत जुमले है वो दो दिन से सेब खा रहे होंगे अब दो दिन नाम है तो पाप का इस्तेमाल होगा दे विल हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर टू डेज और नेगेटिव जुमले में इसी दे विल को नीचे उतारेंगे सिर्फ नॉट का इजाफा होगा बाकी हैव है बीन है ईटिंग है एप्पल फॉर टू डेज वो यही जुमला नीचे उतरेगा दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर टू डेज और इंट्रोगेटिव जुमला जो है तो विल जुमले के बाहर होगा बाहर और दे जुमले के अंदर हो जाएगा तो जब बाहर होगा तो इसका डब्ल्यू जो है ना ये क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा डब्ल्यू कैपिटल और टी यहाँ स्मॉल ये फ़र्क होगा कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखना है दे विल से विल दे करना है ठीक है नहीं क्रॉस होगा क्रॉस हम लगाते हैं क्रॉस क्रॉस की तरह तो इंटरगेट क्रॉस की तरह बनेगा ठीक है

ज़्यादा तफसील चाहिए तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग फिर देख लें आई शल खाम ऑन मांडे तो ज़रूर का लफ्स अगर इस्तेमाल करना हो कि मैं फिर के दिन ज़रूर आऊँगा तो फिर आई के साथ वी के साथ जो है शल की जगह हम विल लगाएंगे ठीक है तो आई शल से की जगह आई विल खाम ऑन मंडे में ज़रूर आऊँगा यू शल की जगह यू विल की जगह यू शल हो जाएगा तो You will की जगह यू शल यू शल का अमाउंट बन मतलब आप पीर के दिन जरूर आएंगे तो जब शिल की जगह विल विल और विल की जगह शल इस्तेमाल हो उसका मतलब है मस्ट जरूर के लिए दूसरा तमाम काइंड में जो है जो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होते हैं वी डोंट नीड टू यूज शल और विल जब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो फिर शल और विल की भी जरूरत नहीं रहती कि शल लगाना है कि विल लगाना है तो मसला मतलब आई शल है तो आओ वी शल है तो व्य शिओ हे औो दे ओ तो अब यहाँ जो है आओ आल का नहीं पता चलता कि आई शल है या आई विल है ठीक है हमने यहाँ आई शल कहा है या आई विल कह दिया है म, अ, मजबूरी के लिए कंपल्शन के लिए कि लाजमी में आऊँगा जरूर में आऊँगा आई मस्ट कम ठीक है तो अब ये पता नहीं चलता तो शॉर्ट फॉर्म में फिर ये चीजें खत्म हो जाती है कि विल है अशल है डब्ल्यू क्वेश्चन वो क्वेश्चन वो सवाल एक तो इंट्रागेटिव जुमले हैं सवाल होते हैं शल आई हैव बीन ठीक है और एक है कि इसमें डब्ल्यू एच का इस्तेमाल हो जाए ठीक है ना डब्ल्यू एच वेन वेयर वाई हाउ हाउ और वो हाउ भी जो है डब्ल्यू एच के ग्रुप में आता है अब ये बाजूकत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इस टेंस के जो जुमले हैं जरा लंबे होते हैं तो कन्फ्यूजन बात स्टूडेंट को, को होती है कि हम आ, किस तरह जुमले बनाएं आई शल है किस तरह बनाएं तो इसके सिंपल तरीके के सबसे पहले आप पॉजिटिव जुमले बी बाकी तो ये फिनिशिंग माई वर्क सिंस मंडे ठीक है मैं अपना काम पीर गिद से ख़त्म कर रहा हूँ इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें आई शल, आई शल से शल आई करें आई इधर आ जाएगा शल इधर आ जाएगा क्रॉस कर लें तो आई शल है ठीक है तो शल आई है शल आई है जुमला बन गया जब इंट्रोगेटिव आपका ठीक बन जाए जिस तरह हमने यहाँ बनाया है ठीक है यहाँ हमने इंट्रागेट जुमला बनाया है शल आई है बीन, और यहाँ बनाया है विल ठीक है विल दे हैव बीन तो इसी तरह इंटरागेट जुमला बना लें ठीक है उसकी मदद से पिछली सैर की मदद से इंट्रॉगेट जुमला बना लें शल आई हैव बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मंडे और फिर इंट्रॉगेट जुमला अगर आपका ठीक है तो सिंपली जो है ना आराम से मजे से जुमले के शुरू में डब्ल्यू एच वाला कुछ भी आप लगाएं वैन well लगा दे वेयर लगाए दे वाय लगा दे हाव लगा दे वॉट uh, लगा दे विच लगा दे ठीक है हु लगा दे कुछ भी लगा दें बहरा अकसाम के नाम एक सांस में जुबानी याद है ठीक है ना ये बहुत ज़रूरी है अच्छा जी एक्टिविटी है एक्टिविटी क्या है फाइंड एंड मेज द कलर तलाश करें और कलर मैच करे ये येलो कलर तलाश करें ये व्हाइट करे ये करे वर्क ये कौन सा येलो कलर में कौन सा टेंस है प्रेजेंट इन पास्ट एंड फ्यूचर इंड वाइट में प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस और इसमें प्रेजेंट पास फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज तो असाइनमेंट है आपके साथ आई गो ठीक है ना आई गो तो इसमें आप इंडिफिनेट तलाश करें कि कौन कौन से हैं Number one वाला है वाला 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 है six वाला है nine वाला है ये तरीके से अच्छा गर्दान हमारी क्या है किस तरह होगी कि एक वर्ब हम ले लेंगे उसके हम अब बारह जुमले बनाएंगे आई गो आई एम गोइंग आई बीन आई बीन गो I shall be going, I shall have gone, I shall have been going for three hours. This is saying, I write, I am writing, I have I have written, I've been writing, T okay? I wrote, I was writing, I had written, I had been writing, uh, I shall write, I shall be writing, I shall have written, I shall have been writing for three hours. So, फिर अगर आप इसके साथ नेगेटिव ट्रागेटिव बनाएंगे तो फिर जो है ना तीन तीन वो बन जाएंगे तो थर्टी सिक्स बन जाएंगे तो अब एक जुमले से जो है आप एक वर्ब से एक गो के साथ गो के साथ आप थर्टी सिक्स जुमले जो है अब आप बना सकते हैं द एंड ऑफ द टेंस जी ये माइंड मैप है आपके दिमाग में जहन में अगर ये सेव हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी ठीक है बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी कि आपके जहन में ये नक्शा सेफ हो जाए एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरनेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो जो एफर्मेटिव हैं ठीक है मसा देखें कि आई है शल है और फिर आ, बीच में आ, कुछ नहीं है, खाली है ठीक है और इंडेफिनेट आई शल गो आई शेल बी गोइंग आई शेल हैव ग आई शेल हैव बी गोइंग फॉर थ्री आवर्स थ्री डेज फिर अगर नेगेटिव हैं ठीक है तो आई शेल नॉट ग आई शेल नॉट बी गोइंग ठीक है तो यहाँ जो खाली जगह है यहाँ नॉट आ जाएगा तो बाहर अगर ये चार का जो है ना आपका माइंड में बन जाए आपके दिमाग में इसका मैप नक्शा बन जाए तो इससे जो है ना फिर आप ये ये भी, भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है शल बाहर निकला हुआ है शल आई ठीक है शल आई गो शाविंग फॉर थ्री डेज तो ये जो है ना आप लोग माइंड मेप है जहन में बिठा यह नक्शा तो इससे आपको सॉरी जो एक्टिव है ठीक है वो भी आसान हो जाएगा और आ, बाकी जो है डायरेक्ट इन डायरेक्ट वगैरह भी आसान होंगे इन आम गुजारिश एक्टिव पैसे इसके बाद चूंकि खत्म हो गया अब हम एक्टिव पैसे शुरू करेंगे तो एक्टिव पैसव एक्टिव वॉइस एंड पैसि को समझने के लिए दो चीज़ों का समझना लाजमी है नंबर एक टेंसिस आपको पानी की तरह हो ठीक है और नंबर दो प्रोनान और उसकी अकसाम प्रोनान उर्स की अकसाम टेंसिस का हिस्सा चूंकि मुकम्मल हो चुका है अब हम इसके बाद जो है अब हम एक्टिव पैसिव एक्टिवैस की तरफ आ, वो हम पढ़ेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोनाउन उर्स की अकसाम को गौर से पढ़ें जो कि हम इस कोर्स के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं तो आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा था पहला हिस्सा उसमें प्रोनाउन आप देखें वो सबक आपके पास होगा ठीक है वो देखें वीडियो है ग्रुप में भी हैं आ, वो देखें और आ, उसको खूब समझे प्रोनाउन को समझने के बाद आपका एटके पैसे वॉइस की बहुत अच्छी तरह समझ आएगी ठीक है प्रोनाउन के कुछ अकसाम है उसके आप अगली स्लाइड भी दे सकते हैं मतलब ये तो सिर्फ एक स्लाइड है ठीक है इसका जो सब्जेक्टिव कैसा प्रोनाउन है ये आप समझ लें और ऑब्जेक्टिव कैसा प्रोणाउन ये समझ लें कि हम जो है ना आई को फिर मी में चेंज करेंगे इस तरीके से यू को यू में यू को ही को हिम में चेंज करेंगे ऐसे पैसे में तो ये आपको याद हो हर इस्लामिक इंस्टीट्यूट इस्लामात पाकिस्तान चलो आप मतलब